तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करना। कहता है मैक्सवेल थियरी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैक्सवेल थियरी ये कहती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो गोइंग सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर, तो ईमिट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड है, तो वो चार्ज पार्टिकल क्यू वॉट एवर जो भी है, वो चार्ज पार्टिकल रेडिएशन इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जिसके पास एक्सेलरेशन हो। अब यार अगर ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में है या किसी भी ऑर्बिट में है, तो वो जो सर्कुलर मोशन होता है ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, ये हम सबको पता फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में चक्कर लगाता है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा बाय द मैक्स। ऐसा होता नहीं है, बट अगर ये थियरी लगाए तो ऐसा कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी, और ये फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये ओमेगा से घूम कर रहा था, इसका रोटेशनल मोशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो फोटोन जनरेट हुआ, जो वेव जनरेट हुई, और ये जो फ्रीक्वेंसी हुई ये F1 और F2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये इक्वल होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इक्वल होने भी चाहिए, क्योंकि ये वेव का फंडामेंटल लॉ है कि जो जो वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये ऐसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहता है व्हाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। देखो, हाइड्रोजन के पास इकलौता इलेक्ट्रॉन है, बेचारा अकेला है, और वो ग्राउंड में अभी है। ठीक है, ग्राउंड में है, जिसकी रेडियस ये R0 मैं ले लेता हूँ। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो अगर फ्रीक्वेंसी जनरेट किया तो कुछ वेवलेंथ भी जनरेट किया होगा, ये ऐसा कह रहे हैं। तो उस वेवलेंथ की कैलकुलेशन हमें करनी है। आगे बात समझ में? तो चलो कैसे कैलकुलेट करें भाई। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर डिवाइडेड बाई लीनियर स्पीड वी। ठीक है ना, ये अगर कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, कोई पार्टिकल है और सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2 पाई आर, और उसकी लीनियर स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो उसके पास हमें टाइम पीरियड आ जाएगा। हमें वेवलेंथ निकालना है जो वेव जनरेट हुई, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड जो होगा 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रेडियस और लीनियर स्पीड भी। अब दोनों साइड लाइट के स्पीड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मैं वेव लेंथ की साइड जा रहा हूँ, तो C/F मिलेगा, इधर मिलेगा 2 पाई आर C और डिवाइडेड बाई लीनियर वेलोसिटी भी। अब हम सबको पता है जो स्पीड होती है सी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C/F इज इक्वल टू लैमडा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लैमडा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 2 पाई आर नॉट C डिवाइडेड बाई वेलोसिटी V0। तो ये वो वेव लेंथ है जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो चक्कर लगा रहा है तो ये वाली वेव लेंथ जनरेट हुई होगी। अब इस वेव लेंथ की एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सबको पता है कि रेडियस की जो वैल्यू होती है R इज इक्वल टू R0 n² / रेडियस इज इक्वल टू n² / z² ये होती है। तो यहाँ से जो रेडियस होती है वो बेसिकली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो 0.529 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू भी 1 है प्यारे बच्चों। चलो वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी v होती है, दैट इज V0, और ये होती है z/n। ठीक है, और इस v की जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट होती है, तो 2.18 × 10⁶ हो जाती है, और z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और बाकी सारी कांस्टेंट अगर यहाँ रख दोगे तो लैम्डा की कैलकुलेशन कर लो 2
पाई 3.14 और मल्टीप्लाई कर दूँ आर नॉट से, तो 0.529 एंगस्ट्रॉन है 10^-10 और लाइट की स्पीड 3 × 10^8 और डिवाइड कर दिया जाए कौन से स्पीड 2.18 × 10^6 से, तो ये फाइनली ध्यान देना ये फाइनली एंगस्ट्रॉन में लिख दिए हैं। तो एक्चुअली 10^ फाइनली जब नैनोमीटर वगैरह में कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 45.7 नैनोमीटर, क्योंकि सोल्यूशन नैनोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना आप।